हेलो दोस्तों, कपकेक्स तो सबको बहुत पसंद आते हैं, तो आज हम बनाएंगे ये डिलीशियस सॉफ्ट और रुई जैसे फ्लफ़ी कॉफ़ी कपकेक्स, जो बनाने में भी काफ़ी आसान है, बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है और साथ ही साथ खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं। तो आज की ये रेसिपी बच्चों को तो काफ़ी पसंद आने वाली है। और ये जो कपकेक्स हम बनाएंगे, ये बेकरी से भी ज़्यादा टेस्टी बनाएंगे और काफ़ी कम इंग्रेडिएंट्स में बनाएंगे और बहुत ही झटपट 15 मिनट में ये कपकेक्स हमारे तैयार हो जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा कम टाइम कंज्यूमिंग है। बहुत जल्दी ये कपकेक्स बनकर तैयार हो जाते हैं और आप इनको चाहें तो बच्चों को टिफ़िन में भी पैक करके दे सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे ये रुई जैसे फ्लफ़ी कॉफ़ी कपकेक्स। आप देख ही सकते हैं ये कितने ज़्यादा फ्लफ़ी बने हैं, एकदम रुई जैसे सॉफ्ट। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले हम कपकेक्स के लिए इस तरीके के पेपर कप्स लेंगे। आपके पास अगर कपकेक मोल्ड है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 8 पेपर कप्स ले लिए हैं। अब हम तैयार करेंगे वेट इंग्रेडिएंट्स। तो एक ब्लेंडर जार में हम लेंगे 1/2 कप चीनी। इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कॉफ़ी। यहाँ पे मैंने नेस्कैफे क्लासिक का इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर यूज़ किया है। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप दूध। दूध यहाँ पर हम रूम टेम्परेचर का लेंगे। बॉयल करके मैंने दूध को रूम टेम्परेचर तक ठंडा कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करना है 1/4 कप बिना फ्लेवर का रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल की जगह यहाँ पे मेल्ट किया हुआ बटर भी लिया जा सकता है। 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे वनीला एसेंस और अब इनको 1 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं ब्लेंड करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो गई है, काफ़ी क्रीमी और एकदम लाइट फ्लफ़ी मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इस मिक्सचर को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बड़े बोल में और अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो पहले एक इस तरीके से स्ट्रेनर रख लेंगे, उसके ऊपर हम डालेंगे 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 4 टेबलस्पून इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर। यहाँ पे मैंने जो मिल्क पाउडर लिया है ये अनस्वीटेंड है। और अब सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेना है ताकि सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से एयर इनकॉर्पोरेट हो जाए उसमें, ताकि जब हम इसका बैटर बनाएं तो बैटर काफ़ी लाइट और फ्लफ़ी बने और जिससे हमारे कपकेक्स एकदम रुई जैसे बनेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से बीटर से एक ही डायरेक्शन में धीरे धीरे मिलाते हुए इसका अच्छा स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए बैटर तो हमारा तैयार हो गया, लेकिन बैटर थोड़ा थिक है, तो इसमें हम 2 टेबलस्पून दूध और ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके इसका बैटर बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे केक के लिए परफेक्ट बैटर तैयार हो गया है और इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है, एकदम स्मूथ सा बैटर है। अब लास्ट में इसमें ऐड करना है विनेगर। बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं कि विनेगर इसमें क्यों ऐड करना है। तो विनेगर ऐड करने से जो बेकिंग सोडा है ये एक्टिवेट होता है, जिससे हमारा केक काफ़ी अच्छे से फूलता है। तो ये देखिए हमारे केक के लिए बैटर हो गया है तैयार। अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे पेपर कप्स में। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया है। तो पेपर कप्स में इस तरीके से बैटर को हम डाल देंगे। बस ध्यान रखना है कि पेपर कप्स को पूरा भरना नहीं है हमें, बस हमें इसे 3/4 हिस्सा भरना है, 1/4 ऊपर का हिस्सा खाली रखना है, क्योंकि जब ये केक बेक होगा तो ये फूलकर ऊपर आएगा। और अगर हम बैटर पूरी तरह से भर देंगे तो बैटर फूलकर कप के बाहर गिरने लग जाएगा, इसलिए बैटर को हमें थोड़ा कम भरना है। इतने बैटर से 8 मीडियम साइज़ के कपकेक्स हमारे तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 8 कप्स में बैटर को डाल दिया है। अब कपकेक्स को थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं चॉकलेट चिप्स से। तो सारे कप्स में मैंने चॉकलेट चिप्स डाल दिए हैं ऊपर से। यहाँ पे चॉकलेट चिप्स ऑप्शनल हैं, अगर आप किसी और चीज़ से डेकोरेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप इसके ऊपर डिफरेंट टाइप के स्प्रिंकल्स ऐड कर सकते हैं या फिर इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब हमारी ये जो कपकेक्स है ये तैयार है बेक होने के लिए। तो इसको आज मैं ओवन में बेक करूँगी। तो यहाँ ओवन को मैंने 180 डिग्री पर प्री हीट कर लिया है और अब केक्स को इसमें रख देंगे और इसको हम 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। 15 मिनट में ये हमारे कपकेक्स बिल्कुल तैयार हो जाएंगे बेक हो करके। तो यहाँ पे मैंने 15 मिनट का टाइम सेट कर दिया है और ओवन को ऑन कर दिया है। यहाँ मैंने ओवन को कन्वेक्शन मोड पे सेट किया है और ये लीजिए 15 मिनट में हमारे कॉफ़ी कपकेक्स बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा कलर आया है और कितने सुंदर ब्यूटीफुल और डिलीशियस हमारे कॉफ़ी कपकेक्स तैयार हुए हैं। तो अब हम इनको ओवन से निकाल लेंगे और इनको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो हम इनको सर्व करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे एकदम बढ़िया रुई जैसे फ्लफ़ी कॉफ़ी कपकेक्स तैयार हैं। बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना देखने में। तो
अगर इनको आप बच्चों के सामने सर्व कीजिएगा ना तो बच्चे एकदम खुश हो जाने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यमी लगता है और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा कपकेक बनकर तैयार हुआ है। तो आइए एक कपकेक को ट्राई करके देखते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया बनाया हमारा कपकेक। इसके अंदर का आपको टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा फ्लफ़ी है और एकदम रुई की तरह इसका टेक्सचर आया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितने कम इंग्रेडिएंट्स में कितना बढ़िया केक हमने बनाकर तैयार कर लिया है, और इसमें से इतना अच्छा कॉफ़ी का फ्लेवर आ रहा है ना कि मेरा सारा किचन कॉफ़ी के फ्लेवर से महक उठा है। ये देखिए केक को दबाने के बाद ये वापस अपना शेप ले रहा है, तो मतलब ये केक हमारा एकदम फ्लफ़ी बना है और काफ़ी अच्छे से बेक हुआ है। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारे कॉफ़ी कपकेक। अब इनको सर्व कीजिए आप चाय, कॉफ़ी या मिल्क के साथ, सभी को बहुत बढ़िया लगेंगे खाने में। इतना बढ़िया केक बनाया ना कि आप एक बार बनाएंगे तो बस आपको इसे रोज़ बनाने का मन करेगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक आसान सी रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।